साथियों नमस्कार। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारी गाय में इसको बच्चा दिए हुए 4 से 5 महीने हो जाते हैं और उसका दूध भी धीरे धीरे कम हो जाता है और हीट में भी नहीं आती। ऐसी कंडीशन में क्या करें कि उसका दूध भी बढ़े और वो हीट में भी आ जाए। आज हमें ये समस्या हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने भेजी है जिनका नाम है सपना KCG और ये लिखते हैं रामावत वेट ज्ञान लिख करके भाई कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो जरूर आपके लिए बनाऊंगा। तो इन्होंने लिखा है रामावत वेट ज्ञान सर नमस्कार, मेरी गाय बच्चा दिए हुए 5 महीने हो गए हैं, हीट में भी नहीं आई है और दूध भी कम हो गया है, क्या करना चाहिए? डिवॉर्मिंग भी मैंने करवा दी है, लीवर टॉनिक भी मैं दे गया हूँ, करना चाहिए प्लीज बताइए। भी हो गया है तो डिवॉर्मिंग हो गई, लीवर टॉनिक दे दिया, उसके बावजूद क्या करना चाहिए? देखिए अगर 4-5 महीने बीत जाते हैं ना और हीट में नहीं आती है ना तो वहाँ हमें कुछ विशेष प्रबंध शुरू कर देना है। और यहाँ हमारी लड़ाई किससे है? दूध से भी है कि हमें दूध भी बढ़ाना है और साथ में हमें बेटर रिजल्ट देना है हीट के लिए। तो यहाँ देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको पहले देसी बता दूँ और फिर जो कॉम्बिनेशन मैं आज बता रहा हूँ ना, 5 चीज़ों का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हम ऐसे केसेस में दिलवाते हैं और हीट में भी आना, दूध बढ़ना, दोनों काम एकदम से फिट फॉर हो जाता है। करना क्या है? नंबर वन जिस चीज का आपको इस्तेमाल करना है उसका नाम है फ्रेंड सतावर। पीली वाली जो सतावरी आती है 50 ग्राम रोज आप इसे देना शुरू कर दीजिए आज ही से। मैं एक बात बीच में रोकता हूं कि जो अंकुरित अनाज वाला अपना फॉर्मूला है, कोई भी गाय भैंस अगर हीट में नहीं आ रही है तो आप अंकुरित अनाज वाला फॉर्मूला जरूर यूज कीजिए, जिसमें हम क्या करते हैं, गेहूं को भिगोते हैं, 250 ग्राम गेहूं आज हमने पानी में डाले, दूसरे दिन कपड़े में बांध दीजिए और तीसरे दिन हम खिला देते हैं। और दूसरे दिन जब उनको कपड़े में बांधते हैं तो ताज़ा पानी, वो पानी तो हमने गाय भैंस को पिला दिया, ताज़ा जो पानी लिया उसमें हम चने डालते हैं। इसी तरीके से एक दिन चने डाले और एक दिन गेहूं डाला, ये फॉर्मूला तो जिसको भी हीट में लाना है ना आपको देना ही देना है, ये मान लीजिएगा। लेकिन दूध बढ़ाना और हीट में दोनों का जो कॉम्बिनेशन कैसे सेट होगा, ये देखिए 50 ग्राम जो भी आप दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए, अगर हीट में नहीं आ रही है, दूध भी नहीं बढ़ रहा, तो आपको बाजरा रोज देना ही देना है पर डे 500 ग्राम से लेकर के 1.5 kg यानी कि आधा किलो से लेकर के 1.5 किलो तक बाजरा पर डे दिलवाया जा सकता है दाना मिश्रण में अनाज की जगह। तो ये आप काम ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बाजरा आप दाना मिश्रण के साथ देंगे बहुत फ़ायदा होगा और हीट में लाना, दूध बढ़ाना, बाजरे में कैल्शियम अच्छा होता है, दोनों में ये बहुत गजब का रिजल्ट देगा। तो सतावरी आपने 50 ग्राम रोज दे दी। दूसरी चीज मैं लिख रहा हूं और वो है अश्वगंधा। क्या है भाई? अश्वगंधा कितना लेना है? मात्र 30 ग्राम पाउडर रोज लेना है। अश्वगंधा को 10 दिन ही देना है, बाकी सतावर आप लगातार जब तक वो आपका काम नहीं हो जाता तब तक आप दे सकते हैं। अगर मैं तीसरी चीज की बात करूं तो तीसरी चीज जो आपको देनी है वो चिर परिचित चीज है और वो है दोस्तों हल्दी। जी हाँ, हल्दी और काली मिर्च का जो फॉर्मूला है ये माइंड ब्लोइंग फॉर्मूला है और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा और साथ साथ भाई एंटी बैक्टीरियल वर्क भी इनका बहुत शानदार है, तो बैक्टीरिया के खिलाफ भी ये काम करेगी और इन्फेक्शन को भी दूर करेगी। तो हल्दी पर डे उसको आप दीजिए 50 ग्राम और 10 ग्राम आप दीजिए उसको काली मिर्च, ये काम आप कर दीजिए। और डिवॉर्मिंग में अगर आपने नीलजान सिरप का इस्तेमाल नहीं किया है ना तो नीलजान से डिवॉर्मिंग करवाइए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। नीलजान 100 ml दे दीजिए, बहुत है। अब लास्ट और अंतिम कड़ी जो हमारी बचती है वो एक प्रकार का पाउडर है जिसका नाम है मिल्कोफीड प्लेटिनम। इस पाउडर का नाम मैं क्यों ले रहा हूं, आप भी अपने एरिया में ऐसा कोई भी पाउडर हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन मिनरल होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें 24 के आसपास कंटेंट है। तो ये पाउडर बहुत गजब का, और ये जो आप बता रहे हैं ना दूध कम और हीट में नहीं आना, एक बार देखे देखिए कंप्लीट बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो पाउडर मिल्कोफीड के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि मिल्कोफीड ऐसे केसेस में बहुत गजब काम करता है, आपको प्लेटिनम ही लाना है और 1 kg लेके आ जाना है और 100 ग्राम
रोज आप उसको 10 दिन तक दे दीजिए। हालांकि आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, तो मिनरल मिक्सर है, पहले 100-100 ग्राम आपने 10 दिन दिया, उसके बाद 50-50 ग्राम दे दीजिए, ताकि इकोनॉमिकली भी सारा सेट हो जाए। और ये अगर आप करेंगे तो दूध भी बढ़ जाएगा और हीट में भी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीट के लिए जो मेडिसिन वगैरह देनी होती है वो बाद में आपकी इच्छा हो तो मेडिसिन, जिसमें कई प्रकार के आयुर्वेदिक कैप्सूल्स भी आते हैं, इंजेक्शन भी लगते हैं, जैसे जिसमें क्लोफेस्टेनॉल भी होता है, जिसमें डाइनोफ्रॉस्ट भी लग सकता है, तो ये बाद की बातें हैं, आप ये कीजिए, बिल्कुल सेट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने अभी तक डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है, जिन भाइयों ने भी जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग नहीं ली है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज वाली ट्रेनिंग आप ले लीजिए, जो कि रामावत एनिमल ऐप पर हर महीने की 5 तारीख से शुरू होती है। तो आ जाइए रामावत एनिमल ऐप पर और जुड़ जाइए डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग में।